हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 28 जून 2022 और हम हैं लेह में। आज ज़्यादा कुछ नज़ारे वज़ारे कुछ नहीं, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद फिर बाइक की सर्विस कराने लेके जाऊंगा, उसके बाद छोटा मोटा मार्केट वगैरह दिखाऊंगा। और ये पीछे आप जो होम स्टे देख रहे हो, होम स्टे क्या है, ये गेस्ट हाउस है, ये नांगसीम गेस्ट हाउस। हुआ ये है कि कल जब हम सरचू से आ रहे थे तो हमने प्लान किया था कि जो लद्दाख का जो पहला गाँव है रूम से में रुकेंगे, लेकिन रूम से में एयरटेल का नेटवर्क नहीं था। उससे अगला गांव है ससोमा, ससोमा में बहुत बढ़िया नेटवर्क था। मैंने कहा दीप्ति से कि भाई आज जो है ससोमा में रुकेंगे, क्योंकि ले वहाँ से 70-80 किलोमीटर के करीब है। इसने कहा दिया नहीं रुकना यहाँ पे, आगे बढ़ो। मैंने कहा जी जो आ गया। ससोमा से आगे गया, गया से आगे लाटो, लाटो से आगे पता नहीं कौन कौन से गाँव हम पहुँच गए जी। उपशी पहुँचे, शाम के बज रहे थे 7:30, सनसेट होने वाला था, सनसेट हुआ नहीं था, उजाला था, बहुत बढ़िया। उपशी में जाके एक होम स्टे में बात करी, 1500 का कमरा फाइनल भी कर लिया, लेकिन एंड टाइम पे मुझे अकल आ गई। मैंने एयरटेल चेक कर लिया, एयरटेल वहाँ पे चल नहीं रहा था बिल्कुल भी। मैंने उनसे पूछा कि भाई एयरटेल नहीं चलता क्या, उन्होंने कहा नहीं चलता जी। मैंने कहा फिर हम आगे जा रहे हैं कारू, उपशी से कारू है 15 किलोमीटर लेह की तरफ। कारू पहुँचे, कारू पहुँच कर तो ऐसा लगने लगता है कि लेह ही पहुँच जाओ। फिर हमने वो कारू भी रुकने का इरादा छोड़ दिया। रात के 9 बजे हम लेह आ गए, 10 बजे तक होटल वोटल ढूंढ के यहाँ पे स्टे कर लिया। ये हमारी कहानी थी। एक कहानी और है, वो कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल मैं बाइक लेके चल रहा हूँ मार्केट में, बाइक की मेंटेनेंस, वो मतलब थोड़ी सी सर्विस वगैरह करानी है, छोटे मोटे फॉल्ट है वो ठीक कराने हैं। आज हम कंप्लीट रेस्ट करने वाले हैं, कहीं इधर उधर के नज़ारे आपको नहीं दिखाने वाले हैं, और कल हम यहाँ से आगे कहीं बढ़ेंगे, वो मैं थोड़ी बहुत देर में बताऊँगा। अभी चलते हैं भाई। बाइक की सर्विस होगी जी बहुत बढ़िया, और मैं पूरी की पूरी सर्विस तो आपको दिखा देता, लेकिन ये जो मेरा गोप्रो है नहीं, कैमरा जिसमें आप व्यू देख रहे हो, ये नखरे कर रहा है। नखरे तो बाइक भी कर रही है, पर बाइक को मैं संभाल सकता हूँ। एक तो इसकी पिकअप की समस्या थी, तो भाई ने जो है इसका कार्बोरेटर साफ़ कर दिया, पिकअप फिट। अब देखते हैं, अभी तो टेस्टिंग वेस्टिंग करूँगा मैं आज शाम तक, समस्या आएगी फिर। कितने बजे तक खोलते हो भाई? 8 बजे तक। चलो ठीक है, कहने को तो ये दीप्ति की ट्रिप थी। अब भाई सर्विस का काम मेरा है। हाँ सबसे पहले ब्रेक टेस्ट, इसमें क्या कुछ किया गया अपने सेटिंग? ये थोड़ा सा चलो ठीक है, कुछ लग रहा है मुझे, क्या लग रहा है पता नहीं। चलो ठीक है भाई कुछ लग रहा है मुझे और क्या लग रहा है पता नहीं। चलो जी लेह का मार्केट देख लो। हैं ये लो बाइक खड़ी हुई है भाई, कितनी बड़ी बड़ी बाइकें हैं ना भाई। पिकअप तो सही है, चढ़ाई है ना इस रोड पे, तो मुझे एहसास हो रहा है कि हाँ भाई कुछ बेटर परफॉर्मेंस है। और अगर इसकी सर्विस ना भी होती ना, तब भी हम इसको खारदूंगा चढ़ा देते, इतना तो दम है आपके नीरज भाई में। लो भाई मजे में अलग ही गली में आ गए, इस गली में पहली बार आया हूँ मैं। अरे निकल जा यार, हॉर्न क्यों बजा रहा है। और ये वाली रोड है जी फोर्ट रोड, और इस पर हमारा होटल है यहाँ से 600 मीटर दूर। ये है भाई, इसका गेट खुलवाना पड़ेगा। रूम्स अवेलेबल भाई, इसका फ़ोन नंबर नोट कर लियो, अगर मेरे से मत मांगे कोई भी। भाई सुनो जी, अब बात ऐसी है कि हम परसों वहाँ से आए थे ना, सरचू से लेह आए थे। 250 किलोमीटर एक दिन में हमने कवर किया था, और उस पूरे रास्ते में हमें धूल, ट्रैफिक, धुआं, यही सब मिले, धूप। तो उससे हुआ क्या कि गले में जो है ना बहुत सारी धूल और धुआं घुस गया। वैसे मैंने मास्क तो लगा रखा था, लेकिन हर एक मास्क की अपनी लिमिट होती है। उस बेचारे की जितनी लिमिट थी उसने रोका धूल धुआँ, लेकिन भैया गले में घुस गया मेरे। और यहाँ आगे मुझे हल्की हल्की सी खांसी सी हुई, और जैसे ही मैं बाइक ठीक करा के लाया और थोड़ा सा मैं रेस्ट किया, मुझे चढ़ने लगा बुखार। बुखार चढ़ा, पैरासीटामोल ली, हालांकि बुखार अब ठीक है। कल पूरे दिन मैं ऐसे पड़ा रहा, और हालांकि अब बुखार बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि लेह घूमने सिटी घूमने का जो हमारा इरादा था, तो सारा का सारा बुखार की भेंट चढ़ गया। तो अभी बुखार बिल्कुल ठीक है, हल्की हल्की सी कमज़ोरी है, और हल्की हल्की सी खांसी सी भी है, खांसी भी बिल्कुल ठीक सी हो रही है, दवाई वगैरह चल रही है, मैं बिल्कुल ओके हूँ, चिंता मत करना बिल्कुल भी। और हाँ, आपका सबका बहुत बहुत थैंक यू एडवांस में, क्योंकि आप लोग वो दोगे नीरज भाई गेट वेल सून इस टाइप के कमेंट करोगे, मुझे पता है आप मानने वाले हो नहीं, और करना चाहिए इंसानियत तो मेरी तरफ से एडवांस में थैंक यू है। अब जी लेह सिटी घूमना तो रह गया बिल्कुल, वो तो उसके तो नज़ारे वज़ारे आपको दिखेंगे नहीं बिल्कुल भी, उसके लिए आई एम सॉरी। तो वीडियो तो हमें थोड़ी सी लंबी बनानी पड़ेगी, तो अगर आपको नज़ारे देखने हैं तो इस वीडियो को स्किप कर देना, अगली वीडियो की हमारी वेट कर लेना, और अगर हमारी बातें सुननी है तो सुनते रहो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। बातें भी मैं कोई ऐसी वैसी नहीं करूँगा, थोड़ी सी काम की बात करूँगा। तो आप लोगों के कमेंट आते हैं तो उन कमेंट के बेस पर मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो कि आपके सबके काम आएगा। सबसे पहले बात करनी है मुझे लद्दाख के परमिट की।
मैक्सिमम सवाल ये आते हैं भाई मनाली से लेह जाना है कौन सा परमिट लगेगा, श्रीनगर से लेह जाना है कौन सा परमिट लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, मनाली से लेह जाने का या श्रीनगर से लेह जाने का कोई परमिट नहीं लगता। अब अपनी गाड़ी से जाओ, टैक्सी जाओ, कैसे भी जाओ, कोई परमिट नहीं लगता, कुछ नहीं है। हिमाचल में मनाली के ऊपर रोहतांग चढ़ने का परमिट लगता है, लेकिन अगर आपको लेह जाना है तो मत चढ़ो रोहतांग, अटल टनल से आ जाओ तो उसका कोई परमिट नहीं है। लेह आ जाओ, कोई परमिट नहीं है। लेकिन लेह से आगे जाने के लिए, जैसे खारदुंगला जाने के लिए, नुब्रा वैली जाने के लिए, पेंगोंग जाने के लिए, इन सब जगहों का परमिट लगता है, ऑनलाइन परमिट है। इसकी मैं छोटी सी आपको स्टोरी बताऊंगा, बोर मत होना, बिल्कुल भी बोर हो रहे हो तो वही वीडियो स्किप कर दो। अच्छा, इनर लाइन पास। असल में इनर लाइन क्या होती है, इसके इनर लाइन के बारे में ना मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है और मैक्सिमम लोगों के समझ में भी नहीं आएगा। बस ये समझ लो, अंग्रेजों के ज़माने से कोई व्यवस्था चलती आ रही है कि जी बॉर्डर के आसपास अगर कोई जाएगा, एक तो हो एक्चुअल बॉर्डर और एक उससे 20-30-150 किलोमीटर पहले एक काल्पनिक बॉर्डर मान ली गई है, उसे बोलते हैं इनर लाइन के। जी इससे आगे जाओगे अगर आप बॉर्डर की तरफ, तो आपको अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है, तो वो अभी तक भी चला आ रहा है। कई जगहों पे हटा लिया और कई जगहों पे टाइम टाइम के साथ इनर लाइन आगे शिफ्ट, आगे पीछे शिफ्ट होती रहती है। मतलब कि जैसे लद्दाख की हम बात करें, लद्दाख में क्या, जैसे पहले खारदुंगला हुआ, नुब्रा वैली हुआ, पेंगोंग हुआ और ये सोमोरीरी जितनी भी ये जगह हैं, सब में इनर लाइन पास लगता था। फिर यहाँ पे भाई टूरिस्ट जाते हैं, खारदुंगला तो सभी को जाना है, नुब्रा वैली भी सभी को जाना है, पेंगोंग भी सभी को जाना है। तो फिर गवर्नमेंट ने, यहाँ के जो लेह का जो प्रशासन है, उसने आर्मी से, ITBP से बात करी, इनर लाइन परमिट को, इनर लाइन को पीछे हटा लिया। तो अभी 2015 में लेह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इनर लाइन परमिट हटा लिया कि भाई खारदुंगला जाने के लिए कोई परमिट नहीं लगेगा, नुब्रा वैली जाने के लिए कोई परमिट नहीं लगेगा, पेंगोंग सोमोरीरी जाने के लिए कोई परमिट नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपको बिल्कुल ही बॉर्डर के एकदम नज़दीक तक जाना है, चुशुल जाना है या हनले जाना है, तो उसका परमिट लगेगा। बाकी जो पॉपुलर जगह है, यहाँ का कोई परमिट नहीं लगेगा। ठीक है भाई, 2015 और 16 में ये व्यवस्था रही। अब इनर लाइन में होता क्या था कि यहाँ पे DC ऑफिस है, DC ऑफिस में जाके आपको एक ऐसे ऐसे एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, टू द सर जी, अरे ये मैडम जी, अरे हमें जो है इतने बंदे हैं जी, हम जो यहाँ से आए हैं जी, हमें जो है खारदुंगला जाना है, नुब्रा वैली यहाँ यहाँ जाना है, हमें जो है जी परमिट इशू कर दो। तो उस एप्लीकेशन के बेस पे ये लोग परमिट इशू कर देते थे। उसकी फ़ीस लगती थी, फीस में क्या क्या होता था, कुछ परमिट की फ़ीस होती थी, कुछ जो एनवायरमेंट फ़ीस होती थी, कुछ वेलफेयर फ़ीस होती थी, कुछ रेड क्रॉस फ़ीस होती थी। तो कुल मिला के पर पर्सन का 500-600 रुपये चार्ज लग जाता था। अब जी 2015 में इन्होंने इनर लाइन परमिट हटा लिया, लेह प्रशासन ने कहा जी जाओ, खारदुंगला जाने का कोई परमिट नहीं, पेंगोंग जाने का कोई परमिट नहीं, जाओ चले जाओ। तो उससे नुकसान क्या हुआ कि जो पर पर्सन के 500-600 रुपए की इनकी इनकम होती थी, साल में करोड़ों रुपए की जो इनकम होती थी, वो ख़त्म हो गई। 2017 से इन्होंने फिर से परमिट सिस्टम लागू कर दिया कि भाई इनकम हो रही थी हमें, करोड़ों रुपए की इनकम हो रही थी सिस्टम को, वो ख़त्म हो गई है भाई, अपने को इनकम चाहिए। तो इन्होंने 2017 से फिर से परमिट लागू कर दिया। धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होते चले गए। आज की डेट में परमिट ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप सर्च करोगे जी लेह लद्दाख इनर लाइन परमिट, इस टाइप से गूगल में सर्च करोगे, वैसे तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, लेकिन अगर मैं भूल भाल जाऊँ ना तो मेरे भरोसे मत रहना, गूगल में सर्च मार लेना। सर्च मारना सीखो हर चीज़ को, ऐसे कोई ये कमेंट नहीं आना चाहिए मेरे पास कि नीरज भाई उसका लिंक भी दे दो। अबे सर्च मारो, सर्च मारोगे वो टॉप में मिल जाएगा। तो अभी क्या है, ये हमने परमिट ले लिया था ऑनलाइन ही, जब हम मनाली में थे तभी ले लिया था। इसके 5-6 हमने प्रिंट आउट निकाल लिए, क्योंकि आगे कुछ चेक पोस्ट आएंगी, हो सकता है वहाँ पे जब प्रिंट आउट को जमा करने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है जमा करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, इस पे भी देखो, गौर से देखो, कहीं भी इनर लाइन परमिट ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स इकोलॉजी ऑफ लेह, कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स इकोलॉजी ऑफ लेह, यानी कि परमिट यही है, ऑनलाइन हमने निकाला है और आगे जाएंगे यही अलाउ है, चलेगा यही। लेकिन इस पे उन्होंने इनर लाइन नहीं लिखा, इस पे उन्होंने लिखा है कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स इकोलॉजी ऑफ लेह, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में टेक्निकली अगर बात करें तो ये इनर लाइन परमिट नहीं है, लेकिन वो चला आ रहा है पहले से, तो इनर लाइन परमिट ही बोलते हैं इसको। एक सवाल और बड़ा कॉमन है कि जी अगर बाइक में आपकी पंचर वंचर हो गया तो क्या करोगे। तो देखो, पंचर होना सबसे कॉमन बात है बाइकों में, गाड़ी में पंचर होना बहुत कॉमन बात है और इसे ठीक करना उतना ही आसान है। हमारी जो बाइक है डिस्कवर की 150 cc की, इसमें ट्यूबलेस है। तो अगर आपकी बाइक में ट्यूबलेस नहीं है तो एक तो उसको ट्यूबलेस में कन्वर्ट करा लो, लेकिन पंचर जो है भाई ट्यूबलेस में भी होते हैं, फ्लैट जो है ट्यूबलेस, तो उसका पंचर लगाने का सिस्टम होता है। एक पंचर किट आती है, अमेजन पे आप सर्च मारोगे पंचर किट, वो मिल जाएगी। मुझसे यार लिंक वगैरह मत मांगना, अपने आप आत्मनिर्भर बनो। तो हमने पंचर किट ले रखी है,
वैसे तो इसमें बाइक के कई सारे टूल हैं इसमें, और हम रखते हैं वो सारे टूल हमेशा ही। तो एक तो पेचकस वगैरह, पेचकस पंचर किट में नहीं आता, मैं पंचर किट आपको दिखा दूँ। पंचर किट में एक तो ये सिस्टम आता है, कहीं पे बाइक में पंचर हो, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर पंचर होगा तो मैं आपको सारी प्रोसेसिंग दिखाऊंगा, देखो जी ऐसे 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 है। तो एक तो ये आता है पंचर किट, आप सर्च मारोगे ये। एक आता है, एक ये आता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, मतलब जब हम डेमो करके दिखाएंगे आपको, कभी भगवान ऐसी नौबत ना आए, लेकिन अब समझोगे तभी, ऐसे मेरे कहने से नहीं समझोगे, मैं तो बस खाली आपको ये बता रहा हूँ भाई, पंचर किट आती है, पंचर लगाना सीख लो। और अगर ट्यूबलेस नहीं है तो उस केस में आपको अपना वो पूरा पहिया खोलना पड़ेगा, उसमें से आपको ट्यूब निकालनी पड़ेगी, तब जाके उसको पंचर लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके ट्यूबलेस नहीं है, नॉर्मल टायर है, तो भी आपको पंचर लगाना आना चाहिए। लास्ट कहानी है जी, उसके बाद ये वीडियो को मैं ख़त्म कर दूंगा। लास्ट कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ कमेंट ऐसे आए कि नीरज भाई आप जो है ना बहुत सारा सामान लेके जा रहे हो, ज़्यादा सामान है। और एक कमेंट तो ऐसा भी आया कि जी मैं जो था हरिद्वार गया था, मैं तो सिर्फ कच्चा बलियान लेके गया था, और तुम जो तो इतने वो पूरा सब कुछ लेके जा रहे हो। तो भाई सुनो, जिसको भी ये लग रहा है ना कि भाई हमारे पास ज़्यादा सामान है, वो अपनी वाइफ के साथ एक महीने के बाइक टूर पर चले जाओ, इतना सामान लेके बस। वो बात करना, अगर कोई एक महीने के लिए अपनी वाइफ के साथ बाइक टूर पे जा रहा हो, वही बात करना। नहीं तो भाई ये कच्चे बलियान वाले और हरिद्वार वाले ये बात मत करो, तुम हमारे लेवल के लोग नहीं हो। इसमें भी क्या है, देखो हमारे पास दो बैग हैं, ओनली दो बैग। एक बैग में है केवल टेंट और स्लीपिंग बैग। तो जिन्हें टेंट और स्लीपिंग बैग की जानकारी है, उन्हें तो पता है कि भैया टेंट और स्लीपिंग बैग पूरा बैग घेर लेते हैं, वजन वजन कुछ नहीं होता, लेकिन स्पेस वो पूरा घेर लेंगे, देखने में ऐसा लगेगा कितना भारी भरकम सामान है। इस बैग में तो हमारा टेंट और स्लीपिंग बैग ही, और तो कुछ है ही नहीं। टेंट स्लीपिंग बैग की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन हमने आपको बताया था या तो इमरजेंसी, कहीं पर इमरजेंसी पड़ जाए तो टेंट स्लीपिंग बैग की ज़रूरत पड़ेगी, और एक आध जगह हम वीडियो बनाने के लिए भी टेंट स्लीपिंग बैग लगाएंगे, ठीक है। और एक्चुअल सामान तो हमारा एक ही बैग में है, दिखा भाई ये वाला बैग, एक्चुअल सामान तो हमारा इसी बैग में है। इसमें मेरे और दीप्ति, इसमें जो है मेरे और दीप्ति दोनों के कपड़े हैं, ठंडे कपड़े भी, गर्म कपड़े भी, एक महीने के कपड़े हैं। अब जिसको भी अगर लग रहा है ज़्यादा सामान है, वो आके हमसे कम्पीट करो, ऐसे भाई कमेंट करके ऐसे बकवास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो आज की वीडियो तो ऐसी हुई है, वो लेह के और आसपास के नज़ारे ना दिखाने के लिए आई एम सॉरी। अभी हमने बाइक का सारा सामान वामान सब पैक कर लिया है, अभी हम चलते हैं खारदुंगला नुब्रा वैली की तरफ। ये वाले नज़ारे हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना हो कुछ कमेंट कर देना, और इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।